देवघर के बीजेपी विधायक नारायण दास ने आरोप लगाया है कि गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के गुंडों ने उनके साथ मारपीट की और गंदी गंदी गालियां दी। विधायक ने कहा कि देवघर में गोड्डा लोकसभा के चुनाव की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय आए हुए थे। बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन निशिकांत दुबे भी कुछ गुंडे बैठे हुए थे इस बैठक में। विधायक ने कहा कि रायशुमारी के दौरान निशिकांत के गुंडों ने गाली गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। आज मुझे गाली दिया गया, आप हम लगा के गाली दिया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया, निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों को, नेताओं को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है। तो देवघर से बीजेपी विधायक नारायण दास ने गंभीर आरोप लगाए हुए, उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय आए हुए थे। साथ ही उनका कहना है कि इस बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन निशिकांत दुबे के कुछ गुंडे भी इस बैठक में मौजूद थे, जो उनके साथ गाली गलौज करने लगे, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई है। तो साफ तौर पर उनका आरोप है कि निशिकांत दुबे के गुंडे जो है वो इस बैठक में मौजूद थे और उनके साथ गाली गलौज की गई और बकायदा उनके साथ मारपीट भी की गई है। तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं नारायण दास निशिकांत दुबे पर कि उनके गुंडे ने उनके साथ गाली गलौज की है, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई है। आप हम लगा के गाली दिया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया, निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों को, नेताओं को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहां पर नारायण दास ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि निशिकांत दुबे के गुंडों ने उनके साथ गाली गलौज की और बकायदा उनके साथ मारपीट भी की गई है। तो साफ तौर पर ये एक बीजेपी नेता का दूसरे बीजेपी नेता पर ये गंभीर आरोप है। आपको बता दें कि नारायण दास देवघर से बीजेपी विधायक है और उनका साफ तौर पर गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके गुंडों ने उनके साथ बैठक में गाली गलौज की और मारपीट भी की गई है। उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। आपको बता दें उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक चल रही थी, इस बैठक में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय मौजूद थे। और इस पर अधिक बात करने के लिए बीजेपी विधायक नारायण दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नारायण जी, आपने यह आरोप लगाया है कि निशिकांत दुबे के गुंडों ने आपके साथ गाली गलौज की और मारपीट भी की है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आज तक जीवन में किसी पर आरोप नहीं लगाया हूं, मैं जो भी बोलता हूं सत्य बोलता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद प्रदेश के आदेशानुसार हर लोकसभा में समीक्षात्मक बैठक चल रही है। उसी निमित्त आज प्रदेश के महामंत्री श्री आदित्य साहू जी और बाल मुकुंद सहाय जो उपाध्यक्ष हैं, दोनों का आगमन देवघर हुआ था और बैठक शुरू नहीं हुई थी उसके पहले निशिकांत दुबे के गुंडों के द्वारा, उनके पोषित गुर्गों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। और यहां तक मैं एक दलित विधायक हूं, मेरी मां बहन लगा के मुझे गाली दिया गया, मेरे साथ भी हाथापाई किया गया, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। वो सांसद हैं, चौथी बार के सांसद हैं, लगातार वो देवघर से चुनाव जीत रहे हैं, गोड्डा लोकसभा से जीत रहे हैं, उन्हें मर्यादित होनी चाहिए। लेकिन उसका काम और उनके लोकसभा चुनाव के समाप्ति के बाद से ही उनके लोगों के द्वारा ऐसा ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहा है। मैंने भी कई कतरन उनको भेजा है, लेकिन उन्होंने संज्ञान लेने का काम नहीं किया है। तो निश्चित रूप से ये खेद की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और जितने भी उनके गुंडे थे, देवता पांडे उनका काम देखते हैं, पिंटू तिवारी उनके घर का काम देखते हैं, राहुल तिवारी एक प्रकार उनके घर का नौकर है, निर्मल मिश्रा जो उनका एक तरह से काम देखते हैं, उसमें से एक भी भारतीय जनता पार्टी, पिंटू तिवारी
एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। एक महीना पहले हम जिला अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हमने मजबूत किया और इन्होंने उस संगठन को तार तार करने का काम किया। लेकिन हमने जिस प्रकार से देवघर जिला के संगठन को मजबूत किया, इनको रास नहीं आ रहा है। मैं एक दलित विधायक हूं, कार्यकर्ताओं के साथ रहता हूं, संगठन को मजबूती देने का काम करता हूं। एक आदमी मेरे विषय में गलत नहीं बोल सकता है, ये इनको रास नहीं आ रहा है। आप देखे होंगे इनके नामांकन में, जब राजनाथ सिंह जी आए थे, इनके परिवार के लोग ये मंच पर थे, लेकिन दो विधायक, एक दलित विधायक नारायण दास और दूसरा ओबीसी का विधायक अमित मंडल, दोनों मंच से नीचे था। ये किसी को पूछते हैं? इनको किसी से मतलब नहीं है। आपका साफ तौर पर कहना है कि दलित होने के कारण आपको बायकॉट किया जा रहा है, आपको मंच नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप होने के कारण ही ऐसी बातें हुई है ना। लोकसभा चुनाव में हमने 41,000 प्लस वोटों से इनको विजय दिलाई, देवघर विधानसभा ने लीड किया। इनको ताकत है तो मधुपुर में ऐसे हमला करके दिखा दो, इनको ताकत है तो पोड़िया हाट में करा दे, इनको ताकत है तो महागावा में करा दे, इनको ताकत है तो गोड्डा में करा दे, लेकिन ये हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। हर जब भी चुनाव आता है, हर जगह से ये 10 कैंडिडेट तैयार कर देते हैं। नारायण जी, हमारे सीनियर रिपोर्टर अभिषेक भारती जी हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। अभिषेक जी, आप सवाल कर सकते हैं। नारायण जी से मेरा आरोप यह है कि नारायण दास हरवाने के लिए काम किया था और चारों तरफ से रणनीति बनी थी। नारायण दास इस बात से कितने सहमत हैं? क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आवाज पहुंच रही है। अभिषेक जी आपसे कुछ सवाल कर रहे थे, एक बार फिर से सवाल दोहराए अभिषेक जी। अनिकेत, आप ही सवाल पूछ लीजिए कि निशिकांत दुबे का आरोप था कि नारायण दास है और सिर्फ नारायण दास ने सभी दुबे को हराने के लिए क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नारायण जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारे सीनियर रिपोर्टर अभिषेक जी का कहना है कि निशिकांत दुबे ने आप पर आरोप लगाया था कि आप उन्हें हराने के लिए उस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। उन्होंने खुद 2019 में चुनाव में हमको हराने के लिए सारी शक्ति लगा दिया था, उनका एक आदमी काम नहीं किया था। मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ, एक महीना पहले तक हम जिला अध्यक्ष थे, टोटल कमेटी, जितना मंडल अध्यक्ष है, जितना जिला का पदाधिकारी है, सारे लोगों ने काम किया, इवन हमने काम किया। उनके पास कोई तथ्य है तो वो मीडिया में सार्वजनिक करें। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया और अब आप यह आरोप लगा रहे हैं कि दलित होने के कारण आपको बायकॉट किया जा रहा है, चाहे मंच साझा करने नहीं दिया जा रहा है और उनके जो गुंडे हैं वो आपके साथ गाली गलौज कर रहे हैं और इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं हकीकत लगा रहा हूं। 2019 के चुनाव में उन्होंने मुझे हराने का काम किया। अगर मैं पूरी वृत्तांत आपको बता दूं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, वो कहीं बता सकते हैं? जहां बूथ कमेटी का सम्मेलन हुआ मैं वहां गया, वो टिकट लेके आए तो मैं रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया, होली के दिन उनके यहाँ होली मिलन समारोह था, मेरे यहाँ भी था, लेकिन पहला जीत का टीका। अभिषेक जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। अभिषेक जी, आप सवाल कर सकते हैं। नारायण जी से मेरा एक सवाल ये भी है कि नारायण जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नारायण जी का मन जो है वो बीजेपी से भी भर गया है, तो क्या नारायण जी अभी भी बीजेपी से उनका मोह है या मन भरा बीजेपी से? नारायण दास जी का जिस लोगों ने कहा वो पार्टी में आयातित तो लोग होगा, हम आपको बता देते हैं कि हम लगातार 45 साल तक एक ही पार्टी में रहे और जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी, ये सीट जदयू गठबंधन को चला जाता था, तो उस समय भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ा और मैं कभी नहीं सोचा कि मैं विधायक बनूंगा। मैं 6 क्लास में पढ़ता था, कोरीडी में शाखा लगती थी जहां मेरा घर है, मैं बाल स्वयं सेवक रहा हूं और 2009 में जब निशिकांत दुबे चुनाव लड़ने के लिए आए तो मैं जिला मंत्री था। जो कह रहा है ना, उनका भाजपा से मन भर गया है।
बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब आगामी विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दलित होने के कारण आपका यहाँ पर बहिष्कार किया जा रहा है, साथ ही आपके साथ गाली गलौज की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि निशिकांत अब तीसरी बार जिस तरीके से यहाँ पर वो सांसद बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप है। वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आपको, आपने उन्हें हराने की कोशिश की, आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको हराया था, तो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी पर इसका असर देखने को मिल सकता है। भाजपा के विधायक हैं, पार्टी के विधायक हैं, और हम बीपीएल परिवार से आए हैं। आजाद भारत का पहला भाजपा का विधायक मैं हूं। मैंने कभी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया, और जो निशिकांत दुबे जी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जब 2009 चुनाव लड़ने के लिए आए तो देवघर मंडल में एक कार्यकर्ता ने उनको मिला था, एक ऑफिस नहीं खोल पा रहे थे, दो आदमी, एक बुलबुल राय, एक नारायण दास, उनको साथ दिया था। मैं स्पष्ट कहता हूं, उस समय वो कहते थे कि एक ही कार्यकर्ता मिला नारायण दास, जिन्होंने 200 रुपया मुझे पेट्रोल भरवाने के लिए हमसे नहीं लिया। आज नारायण दास का चेहरा इतना बुरा हो गया, आप सोचिए। आपका कहना है साफ तौर पर, जिस तरीके से बीजेपी करती है कि जातपात की राजनीति नहीं करती, लेकिन आपका सीधा सा आरोप है कि पार्टी के ही विधायक के साथ जातिवाचक यहां पर गालियां दी जा रही है, उनसे भेदभाव किया जा रहा है। मन लगा के गाली दिया गया, मुझे साला करके गाली दिया गया, मेरे गिरेबान को पकड़ा गया। देवाशीष चौधरी एक ओबीसी का भाजपा का कार्यकर्ता है, उसके साथ हाथापाई हुआ, ये सत्य है, आरोप थोड़े लगा रहे हैं हम। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा ये पूरा वाक्य जो आप बता रहे हैं कि आरोप लगाया गया था उनके तरफ से, और आप सही तौर पर कह रहे हैं कि आपके साथ गाली गलौज की गई है। अभिषेक जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अगला। आप देखिए, तो आगे नारायण जी क्या करेंगे, अपनी पीड़ा किसको बताएंगे, आगे की क्या प्लानिंग है नारायण दास जी की? क्या बोले, आगे की पीड़ा आप किसे सुनाएंगे, किससे इस बात की आप जानकारी देंगे, जिस तरीके से आपका कहना है? प्रदेश के महामंत्री श्री आदित्य साहू जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय जी, जो समीक्षात्मक बैठक लेने के लिए आए थे, उनके सामने ऐसी घटना घटी है। प्रदेश जहां पीड़ा बताना था उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद जहां तक होगी पार्टी के शीर्ष नेताओं को अवगत कराया जाएगा। जिनायन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अब आप अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो दुख है वो सुनाएंगे, अब देखने वाली बात होगी कि आला कमान जो है इस पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल आपका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभिषेक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।